आज हम लोग हाइड्रोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जनरली हाइड्रोमीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस है जिसकी मदद से हम कोई भी लिक्विड की डेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम कंपोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एज अ कंटेनर को हम ग्लास ट्यूब या फिर ग्लास भी हम ले सकते हैं, ओके। और उसके अंदर जिसकी हमें डेंसिटी मेज़र करनी है लिक्विड की, उसको हम फिल कर देते हैं, ओके। और एक इसके अंदर क्या होता है, एक फ्लोट होता है। फ्लोट मतलब एक जो हमारे ऊपर तैर सके उस तरीके का अंदर। और उसके साथ एक कैलिब्रेटेड स्टेम होता है जिसके अंदर हमारे सब कैलिब्रेशन होते हैं, मार्किंग होते हैं डेंसिटी की, फिर इससे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ लिक्विड की, ओके। और साथ ही साथ नीचे एक डेड वेट होता है। ये इसके कंस्ट्रक्शन था, अब इसके वर्किंग का, ओके। तो सबसे पहले हम एक कंटेनर ले लेंगे कि जिसके अंदर हम लिक्विड फिल करेंगे कि जिसका हमें हमें डेंसिटी फाइंड आउट करना है, ओके। उसके बाद ये जो हमारा फ्लोट है वो हम उसके अंदर इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वर्टिकल ही रहे, ओके। अभी यहाँ पे हमारा फ्लूइड स्टैटिक कंडीशन में ही रहने वाला है, ओके। ऑल्सो यहाँ पे हमने एक डेड वेट लगाया नीचे, जिसके वजह से क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा प्लस लिक्विड की वजह से अपवर्ड बोयंसी फोर्स लगेगा, और ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होंगे। तो एक पॉइंट पे जाके मतलब हमारा जो ये फ्लोट है वो स्टेबल होगा, तो ऑलमोस्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारा रीडिंग। तो वहाँ से हम हमारा रीडिंग ले लेंगे कि कितना डेंसिटी है, क्या है, इस तरीके से ये यूज़ होता है। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन भी है जिसके अंदर हम मतलब यहाँ पे हमारा स्टैटिक कंडीशन में था, जहाँ वहाँ पे हमारा डायनामिक कंडीशन में होगा, यानी फ्लो हो रहा होगा कंटिन्यूसली फ्लूइड, ओके।